हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, एक और न्यू वीडियो में आ चुका हूँ। सो गाइस, एक्स्ट्रा की हम बात करें कि हाई सीपीएम कैसे कर सकते हैं, इसमें आप किस तरह सीपीएम आप बढ़ा सकते हैं, आपको कौन सा कंटेंट आपको यूज़ करना है, कौन सी एड लगानी है, ये सारी चीज़ें मैं इस चैनल में बता चुका हूँ ऑलरेडी। और इस चीज़ में हम बात करेंगे आपको टॉपिक कैसे लेने हैं और ट्रैफिक कैसे लेके आने हैं, ये देखा मैं एक केस स्टडी भी दिखाऊंगा। एक व्यूवर ने यहाँ पे $200 किया है, पर मेरे देखे $138 हो चुके हैं और सी पी एम मेरा देख ले काफ़ी अच्छा आ रहा है और $128 है यहाँ पे इतने दिनों के ऊपर। सो सी पी एम में कर लेता हूँ, फिर $9 का हाई सी पी एम मिला है जिसमें 358 168 इंप्रेशन के ऊपर सिर्फ 0 क्लिक है। ओके, लो सी पी एम करके देख लेता हूँ, 0.11 का सी पी एम मुझे भी आता रहा है। काफ़ी लोग कह रहे थे हमारा सी पी एम बहुत कम आता है, एक्चुअली एक्स्ट्रा का कोई एल्गोरिथम कुछ ऐसा है, कभी आपको बहुत हाई सी पे मिलता है, कभी आपको लो सी पे मिलता है, डिपेंडेंट ऑन द ट्रैफिक, आपके कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रही है उसके मुताबिक आपका सी पी एम जो होता है उसके साथ अर्निंग होती है। अगर ये देखो मुझे काफ़ी अच्छा सी पी एम ही आता रहा, क्योंकि मेरी इतनी भी कह लें कि हाई टायर वाली ट्रैफिक नहीं, मेरी मिक्स ट्रैफिक है, कह लें कुछ मेरी ट्रैफिक एशिया से होगी और कुछ में ट्रैफिक टायर वन कंट्रीज होगी जैसे यूएसए कनाडा वगैरह और यूके वगैरह से, मेरी ऑस्ट्रेलिया वगैरह से ट्रैफिक होगी, उसकी वजह से मेरा सी पी एम मिक्स है, इसलिए काफ़ी है। क्योंकि तो काफ़ी लोगों का 20+ सी पी एम होता है, 40+ या 50+ सी पी एम होता है और मेरा $9 $7 6 3 4 ज़्यादातर इतने रहते हैं, $2 $3 मेरा मैक्सिमम ज़्यादा रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख ले, 3.9 का सी पी एम था, $4 बढ़ गई, इस तरह का सी पी एम मुझे फ्लैक्चुएट होता रहता है, ये एक पॉइंट नहीं है। कैसे अब आपको अर्निंग कैसे करनी है, सबसे पहले देखते हैं, मैं आपको घुमा के बात नहीं करूँगा, सीधी सीधी बात करूँगा। जहाँ दो चीज़ें आपको प्रोसेस है, या आपने जो ट्रैफिक है सोशल मीडिया से लेके आ जाए, या अपने आर्टिकल जो आपने लिख रहे हैं जो भी निश है उस पर जो लेटेस्ट आर्टिकल, लेटेस्ट जो आर्टिकल कह रहा हूँ, जो लेटेस्ट टॉपिक है या न्यूज़ है जो भी है, गेमिंग के हैं जो मर्जी, उसको सारा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखे, फिर ही आपकी ट्रैफिक आ सकती है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है आपको आर्टिकल लिखने का। क्योंकि गूगल के भी साथ भी है, अर्निंग करोगे इसके साथ भी, एक्स्ट्रा के साथ भी अर्निंग करोगे सिर्फ अपने कीवर्ड रिसर्च के साथ। अगर आपके कीवर्ड सर्च अच्छी है, आपकी ऑन पेज एसईओ ब्लैक बैकलिंक से आपकी ट्रैफिक आ रही है, अगर वन की ट्रैफिक आ रही है, आप एक्स्ट्रा से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ये मेन चीज़ आपको कोई एक बार कीवर्ड रिसर्च करनी है, अगर आपके कीवर्ड रैंक हो जाते हैं, आपका आर्टिकल आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपकी अर्निंग हो। अगर आपको एसईओ वगैरह नहीं आती, फिर आपको क्या करना होगा, काफ़ी लोग यूट्यूब पर बताते हैं कि आपको किस तरह काम करना है, ये काफ़ी लोग केस स्टडी बताते हैं। आपको जो सोशल मीडिया की ट्रैफिक होती है, जिसमें फेसबुक आता है, ट्विटर आता है, स्नैपचैट आता है, यूट्यूब या वो भी टिकटॉक से लोग ट्रैफिक लेके आते हैं, वहाँ पे अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, जो व्यूअर आते हैं नीचे उन्होंने लिंक दी होती है वीडियो के नीचे या कोई पोस्ट है उसके नीचे। क्योंकि मेरी ट्रैफिक आती है फेसबुक से, सही मेरा 50-50 है, मेरा एसईओ से भी आती है और फेसबुक के पेजों से आती है, ग्रुप से आती है। ओके, मेन चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आपको कोई चीज़ में आपको सीखनी होगी, यूट्यूब पे कोर्स बने पड़े हैं, एसईओ का कोर्स कर ले, कोई 10-20 वीडियो होंगे, या यूट्यूब फेसबुक वगैरह से ट्विटर वगैरह से किस तरह आपने ट्रैफिक लेनी है, स्नैपचैट से, वो सारे के सारे ऑलरेडी यूट्यूब पे कोर्स पड़े हुए हैं, कोई भी कोर्स उठा ले उस वीडियो को सारे आपको मैं मेन चीज़ बता दूँ जैसे मैं सक्सेसफुल हुआ। अगर आपने कोई कोर्स करना है, अगर आपने एक वीडियो देखना है उसे आपने इंप्लीमेंट करना है, फिर ही आपने दूसरी वीडियो स्टार्ट करनी है। अगर आप सारा मिक्स कर लेंगे, आपको वो सारा काम होगा नहीं और आप दरमियान में छोड़ोगे, इसीलिए आपने साथ साथ जो आपने प्रोसेस सीखा है वो आपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी वेबसाइट के साथ, फिर ही आपको मिलेगा। आपने वो जो आपने चीज़ करनी है वो आप 30 दिन तक करनी है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे एग्जांपल इस वीडियो में मेरे 1K ट्रैफिक आती है, जब 2000 व्यू आते हैं, 300-400 जितने भी आते हैं, उसमें सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कुछ लोगों के लिए काम करती हैं। क्योंकि जैसे क्लास है उसमें सिर्फ कुछ बच्चे जो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छी एफर्ट करते हैं, सिर्फ वही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग में ये चीज़ है, अगर आपको इस टॉपिक से, आप इस निश से अच्छी अर्निंग नहीं कर रहे, आप कोई यूट्यूब से कर लें या फ्रीलांसिंग वगैरह सीख ले, कुछ चीज़ें ऐसी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे लोग यहीं से अर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें चंद लोग करेंगे अर्निंग या जिनकी होगी। मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा कि सारे लोग को, मैं भी इस जो वीडियो बना रहा हूँ मेरे चैनल से, जो सीखेंगे चीज़ें
उसमें 10 बच्चे अच्छे हों, या जो बच्चे कह रहा हूँ जो भी, या 100+ लगा लें जो व्यूवर होंगे, सिर्फ उनको ही बेनिफिट मिलेगा, बाकी दूसरों को नहीं। क्योंकि जो लोग इसमें अपने स्ट्रगल करेंगे, मेहनत सीखेंगे, चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, वही यहाँ से अर्निंग कर सकेंगे, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि व्यू तो हर किसी चैनल के बहुत ज़्यादा आते हैं और अर्निंग बहुत कम लोग करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस है, और आने वाले दिनों में अपने चैनल में भी डालता रहूँगा। और आप अगर सेल्फ लर्निंग करें वो सबसे बेस्ट है। अगर मेरे से भी नहीं सीखना चाहते, यूट्यूब बड़ी बड़ी है चीज़ है, गूगल बड़ी बड़ी है, आपको आर्टिकल कैसे लिखने हैं, आपको कीवर्ड सर्च कैसे करनी है, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करते हैं, और आपका आर्टिकल का इंटेंट क्या होना चाहिए, हर चीज़ यूट्यूब पर बड़ी बड़ी है, गूगल पर बड़ी बड़ी है। वहाँ से आप सीख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई भी जो मेरा व्यूवर है अर्निंग करे, मैंने नीचे एक पिन का रिकमेंड उसका मैं पिन करूँगा कि ये हमारे एक व्यूवर ने इतनी अर्निंग की है। सो वीडियो में बस ये था, और आने वाले दिनों में और वीडियो में कंटेंट ऐड करता रहता हूँ। मैं भी कुछ आने वाले में मैं आपके साथ कुछ कोर्स भी लेके आऊँ। मैं भी कोर्स में कोई 30 या 40 मिनट की वीडियो बना लूँ, क्योंकि मैं अगर मैंने सोचा था कि 10 10 मिनट की वीडियो करता हूँ, वो वाली मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता हूँ। मैंने सोचा है अगर एक ही वीडियो बनाऊँगा कोई 30 40 मिनट की, वो डालूँगा, पर आई नो कि मुझे उस पर इतने ज़्यादा व्यू नहीं आएंगे, पर फिर भी मैं आपके लिए वो अपलोड करूँगा। सो गाइस, इस वीडियो में बस यही था, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नए वीडियो मिलते हैं। गुड बाय।